हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर आवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है थोड़ा सा वीडियो में डिस्टरबेंस आ सकता है क्योंकि बराबर में काम चल रहा है तो इसलिए वहां की नॉइस आ सकती है तो उसके लिए माफी देना और हम बात करते हैं आगे यहाँ पर वीडियो पे ध्यान दीजिए वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा आप यहाँ पर लास्ट तक बने रहेंगे तो देखिए हमारे वीडियोस बड़े होते हैं काफी लोग कहते हैं बड़े बड़े वीडियोस होते हैं तो बड़े बड़े याद रखिए आप छोटे वीडियोस में पूरा ज्ञान नहीं दे सकते ज्ञान यहाँ पर पंद्रह पर पंद्रह से पंद्रह मिनट भी नहीं दे सकते मार्केट है यहाँ पर सालों लग जाते हैं तब यहाँ पर सीखा जाता है तो वीडियोस बड़े बनने का मतलब है कि हम ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर आपको सारी नॉलेज यहाँ पर फिफ्टी मिनट्स में मिल जाए बट फिफ्टीन मिनट्स मिन भी इनफ नहीं होते बट स्टिल यहाँ पर वीडियो को जितना हो सकता है उतना कम करने की कोशिश की जाती है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें इसमें आपको सीखने का मौका मिलेगा और जितना आप सीखेंगे उतना पैसा मार्केट में बनता हुआ नजर आएगा याद रखिए टाइम देना पड़ता है आपने एक जॉब पाने के लिए के जी से लेके तीन साल में आपने एडमिशन लिया होगा और 20 साल 22 साल तक आपने पढ़ाई करी होगी 26 साल तक उसके बाद यहां पर आप पैसा कमाना शुरू किया है तो मार्केट में अगर आप तीन चार साल नहीं दे सकते दो तीन साल सीखने में नहीं दे सकते तो याद रखिए फिर मार्केट आपको उस तरीके से इंटरटेनमेंट नहीं करेगा तो सीखा सीखना पहले पड़ेगा फिर उसके बाद यहां पर काम करेंगे तो पैसा अपने आप बनता हुआ नजर आएगा किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ नहीं होगा बस सीखना पड़ेगा सीखे कहीं से भी सीखिए ओके खुद पढ़ के भी सीख सकते हैं यहां पर वीडियोज देख के भी सीख सकते हैं सकते और और मार्केट में यहाँ पर आप खुद ट्रेड लेके यहाँ पर सीख सकते हैं तो इस चीज को यहाँ पर समझिए तो वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज एक पर्टिकुलर स्टॉक से जिसका नाम है नजारा टेक्नोलॉजी नजारा टेक्नोलॉजी की बात करें एक अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट हो चुकी है अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दू लगभग फोर्टी फिफ्टी तक यहाँ पर गिरावट हो गई थी और यहाँ पर आज मैंने पोजिशन नहीं ली बट यहाँ पर मैंने पोजीशन दिलाई है अपने क्लाइंट्स को तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बिवेयर देना चाहता हूँ हाँ कुछ स्टॉक्स मैंने खरीदे सॉरी तो यहाँ पर आ, मेरी पोजीशन है तो ध्यान रखिएगा क्यों पोजीशन लिए उसके पहले मैं आपको बताऊंगा सब कुछ यहाँ पर नॉलेज दूंगा बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को को हिट ऑल के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो हम मेहनत करते हैं उसका हमें थोड़ा सा फल एज एज अ अ आपके व्यू सब्सक्राइबर बढ़ने पर एज अ हमारे व्यूज बढ़ने पर और लाइक आप जो दबाते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं वो हमें यहाँ पर मिल जाए एंड दैट्स इट वी वॉन्ट दैट थिंग फ्रॉम यू योर एंड तो हम आगे बढ़ते हैं और एक रिक्वेस्ट और यहाँ पर अगर आप हमारी फाइनश

एक वैल्यू एडजस्टमेंट नाम की चीज होती है और प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई और यहाँ पर अगर हम देखें सेकंड राउंड ऑफ जो हमें मूवमेंट uh, जो होती हुई नजर आएगी आई स्टॉक्स में और बेहतरीन स्टॉक्स में वो यहाँ पर दोबारा होती हुई नजर आ सकती है तो यहाँ पर एक रीजन ये है दूसरे रीजन बात करें कंपनी कंपनी एक बेहतरीन है मोनोपोली यहाँ पर बिजनेस कह सकते हैं एक कंपनी का है कंपनी करती गया है कंपनी गेमिंग बिजनेस में है याद रखिए इंडिया में ऐसा कोई भी स्टॉक्स नहीं है यहाँ पर डेल्टा कॉर्प को छोड़ दीजिएगा तो वो पत्ती वाले गेम की मैं बात नहीं कर रहा मैं कशीनो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जो रियल गेम यहाँ पर लोग जो बच्चे खेलते हैं ओके तो जो यहाँ पर पूरा वर्ल्ड यहाँ पर बड़े बड़े लोग भी यहाँ पर खेलते हुए नजर बड़े लोग मतलब जो एल्डर होते हैं तो वो भी खेलते हुए नजर आते हैं एंटरटेनमेंट के पर्पज से तो एक कंपनी भारत में लिस्ट है जिसका नाम है नजर टेक्नोलॉजी जिसमें राकेश झुंझुनवाला अगर हम बात करें राकेश झुंझुनवाला ने बहुत पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा था यहाँ पर ऑलरेडी ये इन्वेस्टर्स है इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में तो यहाँ पर हम बात करते हैं इस स्टॉक्स की तो देखिए यहाँ पर इज अ लीडिंग इंडिया बेस्ड डाइवर्सिफाइड गेमिंग एंड स्पोर्ट मीडिया प्लेटफॉर्म विद प्रेजेंस इन इंडिया

आपने यहाँ पर सीरियल देखेंगे बैटबॉल तो ये डब्ल्यू सी थ्री डब्लू सी सी एपे डब्लू सीसी ये WC3, WCC, WCC अलग अलग गेम बना रखे हैं इसके अलावा यहाँ पर फॉल सीजन ट्वेंटी नाइनटीन यहाँ पर अलग अलग ये गेमिंग बना रखे हैं यहाँ पर कॉन्ट्रा से रिलेटेड लड़ाई से रिलेटेड तो ये यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग गेमिंग यहाँ पर कंपनी बनाती रहती है ये सारे के सारे इनके गेम्स है ओके okay, जो कि इंडिया में एज एज वेल पर uh, अमेरिका और डिफरेंट uh, कंट्रीज में यहाँ पर बनाए जाते हैं छोटे छोटा भीम स्पीड रेसिंग स्पोर्ट्स कीड़ा यहाँ पर वर्ल्ड uh, कप से रिलेटेड अलग अलग यहाँ पर गेम है तो यहाँ पर आप जाके ई सपोर्ट गेम्स ये सब कुछ यहाँ पर्टिकुलर कंपनी के बारे में जाइए देखिए तो आपको यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर समझ में आता हुआ नजर आ जाएगा काफी बेहतरीन यहाँ पर ये यह कंपनी है जो कि गेमिंग के बिजनेस में और धीरे धीरे अगर और भी बेहतरीन अपने आप करती हुई नजर आएगी और जब करती हुई नजर आएगी तो मोनोपोली इस तरीके की कंपनी अभी मार्केट में है नहीं और जब मार्केट में ऐसी कंपनी नहीं है और मोनोपोली एक तरीके का है तो याद रखिए ऐसे शेयर यहाँ पर सुनर और लेटर बढ़ते हुए नजर आते हैं और कैप है। कब जाके लार्ज कैप में बन जाएगी आपको खुद नहीं पता चलेगी पांच हजार सात सौ पंद्रह करोड़ रुपए का मार्केट कैप है पी की बात करें अभी भी शेयर काफी महंगा अट्ठाईस का पी इंडस्ट्री का है दो सौ ग्यारह के पी पे शेयर यहाँ पर चल रहा है और इससे पहले याद रखिए तेतीस से सत्रह सौ पे आगे आते तो लगभग यहाँ पर शेयर 50% परसेंट नीचे आ गया है बट स्टिल यहाँ पर अगर बात करें पी यहाँ पर दो का है तो अच्छे शेयर की पी हमेशा ज्यादा रहती है तो इसलिए यहाँ पर घबराने की भी जरूरत नहीं है आर ओ अभी तक खास नहीं है बट कंपनी डेट फ्री है ओके okay, वेल well पर फेस वैल्यू पर चार की फेस वैल्यू है और यहाँ पर मतलब और भी गिर सकता है बट यहां से भाग भी सकता है क्यों भाग सकता है उससे रिलेटेड जब चार्ट पर जाएंगे तब यहाँ पर बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट देख सकते हैं दो हजार इक्कीस में आया था उसके बाद शेयर यहां पर भागा और एक अच्छी खासी गिरावट और यहाँ पर हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स की <coughs> तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी के सेल्स यहाँ पर देखिए कंपनी की सेल्स यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस बार की जो सेल्स थी वो हाईएस्ट एवर सेल्स थी 185 करोड़ रुपीज की सेल्स थी और यहाँ पर हम बात करें ओपीएम मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 15 परसेंट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है ईयरली बेसिस पे थोड़ा सा ओपीएम में यहाँ पर कम होती है नजर आई है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो तो यहाँ पर हाईएस्ट आता हुआ दिखाई दिया जो कि एक अच्छी बात है नेट प्रॉफिट भी देखे तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा यहाँ पर श्रिंक होता हुआ नजर आया जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और वो की किस वजह से है तो यहाँ पर आप देखिए टैक्स की वजह से क्युं? क्यों क्योंकि यहां पर अभी देखिएगा तो 24% का टैक्स दिया था इससे ट्वेंटी फोर परसेंट का ही टैक्स दिया था और लास्ट टाइम 6.77 तो, तो टैक्स वन पर ज्यादा दिया है इस वजह से यहाँ पर यहाँ पर प्रॉफिट श्रिंक थोड़ा सा होता हुआ नजर आ। है कंसोलिडेट नंबर है स्टैंड लॉन की बात करें तो स्टैंड लॉन यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के स्टैंड लॉन नंबर थोड़े से यहां पर नेगेटिव आते हुए दिखाई दिए वो तो पिछले अगर हम देखे तो पांच क्वार्टर से नेगेटिव आ रहे हैं बट यहाँ पर धीरे धीरे वो नेगेटिव कम होता हुआ नजर आ रहा है ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे यहां पर कंपनी का परफॉर्मेंस ईयरली बेसिस तो नहीं क्वार्टरली बेसिस पे पर परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है ने नेगेटिव में है बट नेगेटिव में भी कम नेगेटिव है समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को तो इस चीज पर आप देखिए कम कंसोलिडेट uh, नंबर पर को देखेंगे तो अच्छे खासे से यहाँ पर नंबर आ रहे हैं और धीरे धीरे कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट की तरफ बढ़ती हुई आएगी सेल्स की बात करें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है दोनों चीज अगर हम जान लेंगे तो आगे चल के हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज को याद रखिएगा और यहाँ पर सेल्स देखिए कंपनी 2016 से सेल्स कर रही है और इस बार की सेल्स अः हाइएस्ट टाइबर थी दो में और पिछले बारह महीने की सेल्स भी हाइएस्ट टाइवर है और यहाँ पर हम देखते हैं नेट प्रॉफ़िट तो वो भी यहाँ पर हाईएस्ट एवर तो नहीं कहेंगे बट कंपनी का यहाँ पर देखिए पिछले बारह महीने में सत्ताईस करोड़ और 2020 के कंपैरिजन में अच्छा खासा यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया और थोड़ा सा टाइम और देंगे तो कंपनी और अच्छा परफॉर्मेंस करेगी नो no डाउट रिजर्व्स की बात करें कंपनी के रिजर्व छह सौ चौहत्तर करोड़ के रिजर्व रिजर्व यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और बोराइंग की बात करें तो ना के बराबर चार करोड़ की बोराइंग है बोराइंग कंपनी के ऊपर नहीं रहेगी तो सुनर और लेटर थोड़ा बहुत टाइम जरूर लग सकता है कंपनी के नंबर जो नेगेटिव में आ रहे हैं वो अब ऑलरेडी पॉजिटिव में आ चुके हैं और धीरे धीरे करके और यहाँ पर ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर कंपनी के इन्वेस्टमेंट की बात

सेंट के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती है 30 चालीस परसेंट की या 20 परसेंट की पच्चीस परसेंट के आसपास की हिस्सेदारी पब्लिक के पास और बड़े बड़े लोगों के पास ही हिस्सेदारी रहेगी पब्लिक के पास ना के बराबर रहेगी जो लोगों के पास होगी वो यहाँ पर फंसे होंगे ओके जो यहाँ पर बिना देखे यहाँ पर आख बंद करके शेयर खरीद लेते हैं और मोमेंटम को भी यहाँ पर कैच करते हैं वहा वो लोग यहाँ पर फंसते हुए नजर आते हैं और ऑपरेटर उसे टम करते हुए नजर आते हैं यहाँ पर लास्ट टाइम मैंने जब ये वीडियो बनाई थी इससे रिलेटेड शेयर तब मैंने पर वीडियो बनाई थी याद रखिए ओके और यहां पर बनाई थी बनाई थी और आपको बताया था जब ये शेयर कोई नहीं ले रहा था तब मैंने यहाँ पर शेयर लिया था और आपको बताया था ये शेयर भागेगा और उसके बाद जो रैली हुई थी लगभग आपके पैसे को डबल से ज्यादा यहाँ पर किया और हम मैं ऑलरेडी बीच में यहाँ पर निकल चुका था और उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो एक अच्छी खासी गिरावट अगेन यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी इसी तरीके की बनती हुई नजर आ रही है यहाँ पर अब स्विंग ट्रेड तो नहीं तो अभी एक साथ तो भागेगा नहीं ये रैली जो पहले होनी थी वोली अभी एक साथ नहीं भागेगा धीरे धीरे भागेगा बट धीरे धीरे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर दस दस पंद्रह पंद्रह बीस बीस परसेंट का यहाँ पर रिटर्न देता जाएगा वो रिटर्न हम यहाँ पर निकालते रहेंगे और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स फिर भागेंगे तो यहाँ पर फिर रिजल्ट से पहले याद रखिए यहाँ पर रिजल्ट तक अभी बाइंग करने की एक अपॉर्चुनिटी मैं जब मैं जितना स्टडी करता हूं मार्केट को उसके हिसाब से अगर अभी हम यहां पर खरीदते हैं ओके और मार्केट यहां पर फ्लैट रहती है गिरावट नहीं होती तो रिजल्ट से पहले ये शेयर लगभग 10 से 15 परसेंट बीस परसेंट का यहाँ पर मूव देख के चला जाएगा और उस मूव तक ही यहाँ पर रखिएगा और रिजल्ट आने से पहले जैसे यहाँ पर आपके 15 पंद्रह बने चुपचाप निकल जाइएगा वेट करिएगा रिजल्ट का रिजल्ट अगर बेकार आता है तो हमारा शेयर गिरेगा फिर एक एंट्री का फिर मौका मिलेगा और फिर उसके बाद यहाँ पर शेयर यही स्विंग ट्रेड का मतलब रहता है याद रखिएगा शेयर यहाँ पर देखिए तो लगभग आज के दिन में फोर्टी नीचे था थोड़ा सा यहाँ पर शेयर यहाँ पर भागता हुआ नजर आया है और अभी अगर हम सीधे यहाँ पर देख

कि 15 से 20 परसेंट के रिटर्न के लिए इस पर्टिकुलर कंपनी में एंट्री ले सकते हैं ओके ज्यादा यहाँ पर लालच मत करिएगा वरना यहाँ पर ऑपरेटर फिर ऊपर ले जाके फंसा देंगे यहाँ पर फंसाया आया है फिर यहाँ फंसाया आया है और फिर अगेन यहाँ से ऊपर जब ले जाएंगे तो फिर दोबारा फंसाते हुए नजर आएंगे अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो चीजें नीचे आती हुई दिखाई देंगी तो बट यहाँ पर एक अच्छा मौका है इस टाइम इस पर्टिकुलर शेयर को यहां पर, पर खरीदने का और लॉन्ग टर्म का व्यू है तो फिर आप कभी भी शेयर को खरीद सकते हैं और जब यहाँ पर चीजें और नीचे आए तो बाय एंड डिप्स कर सकते हैं धीरे धीरे यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं एक्यूमुलेट करने पर यह शेयर फिर ऊपर जाता हुआ नजर आएगा तो बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं अपने फाइनेंशियर एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है वीडियो जितना हो सके सपोर्ट करना है लाइक करना है कमेंट करना है कोई क्वेरीज होते हैं इन्वेस्ट फोर को सब्सक्राइब करना है ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करना है और यह पर्टिकुलर नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच God bless.